लो यहाँ पे, क्या प्रूफ है? एक बार ब्रह्मा जी से असुरों ने पूछा, असुर लोग बहुत प्राउड होते हैं, असुर ने पूछा कि ब्रह्मा जी कौन लोग बढ़िया है भाई बताइए तो। हम लोग का बड़ा बड़ा भाई से, ब्रह्मा जी बोलिए तो हम लोग ज्यादा बढ़िया है कि सुर लोग? ब्रह्मा जी बोले लोग सच सच बता देंगे तो गुस्सा आ जाए, बोले बाद में बताएंगे बेटवा। तो एक दिन ब्रह्मा जी बोले अच्छा आज एक तो भोज करेंगे, प्रीति भोज, बहुत अच्छा बात है, छप्पन भोग करेंगे। बोले ठीक, तो सब लोग आ गया, असुर बोले हम लोग पहले, अहमपुर मैं पहले। बोले ठीक, बोले एक नियम है तुम लोगों को पहले मिलेगा, लेकिन एक नियम है, ये फीस्ट के लिए 56 आइटम रहेगा, लेकिन हाथ सबका बांध दिया जाएगा खाने के। कार खाएंगे कैसे? हाथ एकदम लाइसेंस टाइट से खाएगा कैसे आदमी? हाथ टाइट से बांधोगे यहाँ से यहाँ तक, हाथ ऐसे हो जाएगा, खाओ कैसे? नहीं, और डीमन सब घुस गया पहले, ओ लड्डू लिया उछालने लगा, इतना आइटम सर आइटम उछालने लगा, ये करने लगा, समझ रहे? उधर चले उधर। तो आप लोग पॉइंट समझ रहे हैं? हाँ, तो उन्होंने क्या किया, पूरा लड्डू उछाले, लड्डू को उछालोगे तो मुंह में आएगा, ऐसे लड्डू उछालोगे मुंह में आएगा, उधर दूसरा क्लास में, समझ रहे हैं आप? लड्डू उछालो मुंह में आएगा, किसी का आँख में गिर जा रहा है, कोई पुलाव उलाव मिक्स करके ऐसे फेंक रहा है, नाक में घुस जा रहा है, जल रहा है, आओ हाथ बंधल था पांव तो बंधा हुआ, तो जब आंख में पड़ता तो गाली किसी को तो ब्लेम करेगा। तो असुर लोग क्या नेचर है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, कुछ गलती हो तो किसी और गाली देगा। असुर का क्या स्वभाव है, अपने एग्जाम में फेल हो गया तो अपना रिस्पॉन्स है कि हम नहीं मार्क्स सॉल्व किया, टीचर को पकड़े किसी को तो पकड़ेगा, तुम मनुष्य तुम मेरे बगल में बैठा तेरे कारण, हम पढ़ के गए दूए चैप्टर 10 में, उन्हें बोलेंगे टीचरवा को उड़ाएंगे, जो बगल में बैठा था उसको उड़ाएंगे, तुम दिखाया नहीं हमको ई हो कुछ, लेकिन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, इसको बोलते हैं असूल। तो असूल लो बेटा, जो मार्क में जल रहा है तो बेटा किसी को तो ब्लेम करें, खुदे फेंका तो किसको ब्लेम करें, मतलब तुम बेटा बगल में था इसलिए तुम मेरा अटेंशन खराब हो गया, तो उसको लात मारने लगे, एक लात मारा उसको, लात मारा उसको, लात मारा, मार मार के एक दूसरे खत्म। आधा घंटा बाद ब्रह्मा जी घंटी बजाए, तुम लोग का टाइम खत्म हो गया, अब देवता लोग आएंगे, अब कौन आएंगे? हाँ सब असुर बोला बेटा अब मजा आएगा, लोग हम पूरा वीडियो बनाएंगे वायरल करेंगे बेटा, ये लोग का कैसा मुंह में गिरता है देखो, अब सब देवता लोग आए, बोलो ये लोग भी उछालेगा गिरे, अब देवता लोग का क्या, सबका हाथ बंधल था ऐसे करके लिया, ओ इसको खिला रहा है, वो इसको खिला रहा, सब प्रेम से खा रहा है, वो क्यों फेंके नहीं रहो, इसको खिला रहे हैं, हम नहीं खा सकते, दूसरों को तो खिला सकते हैं बंधा हाथ से, मतलब मेरा हाथ बंधा है हम नहीं खा सकते ना, लेकिन खिलाने के लिए तो खिला ही सकते भाई, कि नहीं खिला सकते? अब कोई खिलाए तो और अच्छा, कोई प्रेम से खिलाए तो और अच्छा लगता, आप खुद से रसगुल्ला खिला कोई प्रेम से भाई हो जाएगा, ऐसे आप खुद से खाओ कोई प्रेम से खिलाए कौन सा अच्छा रहेगा? आप खुद से भी खा सकते, बोला यार रंजीत बहुत अच्छा है खा, कैसा लगेगा? और अच्छा लगेगा, आप सब तो और अच्छा लगने लगा, समझ रहे? तो जब दानव लोग था असुर लोग, हम लोग का ही क्लिक नहीं किया, तो ब्रह्मा जी बोले समझ में आ गया, तो जो डीमन होते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं वो ज्यादा हैप्पी, जो भगवान के अनुसार जीते वो ज्यादा हैप्पी, समझ रहे? जब मैं 20 साल तक अपने हिसाब से जिया, आई वॉज नॉट हैप्पी, पैसा था सब था लेकिन हैप्पी, तो भगवान ने उसार दिया, दूसरों की सेवा करते हैं हम लोग, हेल्प करना चाहते हैं, अब मैं ज़्यादा हैप्पी हूँ कि पहले ज़्यादा हैप्पी? अब मैं ज़्यादा हैप्पी, थोड़ा चैलेंज आते हैं इतना एक दिन में, इतना ईजी ने 20 साल से पापड़ बेल रहे, बहुत समस्या होती है, बहुत टेस्ट लेते हैं भगवान, दूसरों का हेल्प करो फिर भी लोग गाली देंगे, ना आसान नहीं, सुबह उठ के हेल्प मैं किसी को मदद करता था उठाने के लिए तो गाली देंगे, मतलब बहुत पापड़ बहुत बेलना पड़ेगा, इतना आसान सच्चाई के मार्ग में इतना आसान तो नहीं तुरंत हो जाए। तो वैसे ही जो जन्म क्या स्पिरिट है, अलाइन आवर लाइफ विद द विल ऑफ गॉड,
व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ जन्माष्टमी? अलाइन आवरसेल्फ. यस, टू अलाइन आवरसेल्फ विद द विल ऑफ, भगवान के इच्छा के अनुसार अपना जीवन. इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग. इसको क्या बोलते हैं? जीवन में हैप्पी होने का सिंपल तरीका भगवान के अनुसार जीवन जी. भगवान ये नहीं बोलते कि आप खाइए मत पीजिए मत, उनके अनुसार से जी आप एकदम हैप्पी रहेंगे. और ये नहीं बोल रहे आप शादी मत करो, आप करना चाहे कर सकते, समझ रहे हैं. लेकिन आप अपनी वाइफ को ये मत सोचो वो मेरी सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, समझ रहे हैं. हमें सोचना चाहिए हाउ कैन आई सर्व माई वाइफ, वो भी भगवान की बच्ची है, हम लोग को दोनों को मिलकर कैसे भगवान को खुश. तो जब आपका सेंटर भगवान रहेंगे तब देखो आप हैप्पी हो जाओ. जब आप डॉक्टर बनोगे, आप अपने मजा के लिए आप डॉक्टर बनोगे पैसा कमाना है, तब हैप्पी नहीं होगा. पर अब सोचो भगवान ने मेरे को डॉक्टर बनाया है, तब मैं दूसरे जीवात्माओं को हेल्प करूं, समझ रहे हैं. मेरे को डॉक्टर बनाया ताकि मैं दूसरों की सेवा, इस मूड से सेवा करूँ तो जेन्युइन हैप्पीनेस मिले. लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान शुरू में होगा. सब जगह करप्शन चल रहा है, सब जगह पैसा के लिए काम कर रहा है 90% डॉक्टर. तुम अगर ऐसा मूड से करेगा तो शुरू में तो तुम फेलियर ही हो जाएगा. लेकिन आप अगर कंटिन्यू करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप, तो दिस इज द स्पिरिट ऑफ जन्माष्टमी. हम भगवान को अपने हृदय में लाए कि भगवान आपके अनुसार जीना चाहता है. और यही गीता के एंड में हुआ. शुरू में अर्जुन भगवान के विल से अलाइन नहीं कर रहा था, एंड में अलाइन करने लगा. शुरू में अलाइन नहीं कर रहा था तो क्या फ्रस्ट्रेटेड था, जब अलाइन करने लगा तो खुश हो गया. दिस इज द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ पर्पस, कि हम भगवान के विल से अपने विल को लाए, समझ रहे. कितने लोगों को लगता है कि हम लोग को ये भगवद्गीता का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है. डिफिकल्ट नहीं तो ईजी भी. तो ये जो जन्माष्टमी आ रही है, हम लोग इस दिन क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे शक्ति दे, मुझे क्या दे, मुझे शक्ति दे कि आए मैं आपके विल से अपने विल को अलाइन, समझ रहे. एंड आपको कंपैशन रखना पड़ेगा, समझ रहे. बिकॉज दुनिया में बहुत ज़्यादा करप्शन है और आप भगवान के विल से अलाइन करना चाहोगे इतना इजी होगा. लेकिन क्या चीज इजी है? डॉक्टर बनना इजी है क्या? डॉक्टर बनना इजी है क्या? कितना रगड़ना पड़ता है यार, कितना ये कॉलेज में रहना इजी है क्या? मैथ्स का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, जान निकल जाता है. कभी मन का भाग जाओ, कभी मन करता होगा कि नहीं? कितना कभी मन का भाग यहाँ से भाग जाओ, कितना है? समझ रहे, फिर भी कर रहे. तो एक बार अगर भगवान आपके हृदय में आ गए तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? एक बार भगवान आपके जीवन में आ गए फिर कोई दिक्कत. लेकिन भगवान को लाने में थोड़ा मेहनत लगेगा. कितने लोग भगवान को लाना चाहते, बोलिए हरि बोल. तो जन्माष्टमी के समय भगवान किसके गर्भ से प्रकट हुए? माँ देव की. पिता का क्या नाम था? वसुदेव. तो वसुदेव और देव की. तो जब वसुदेव का शादी हुआ देव की से तो उसके चैरिट को कौन लेके जा रहा था? कम भाई था. क्या था वो भाई? तो वो क्या चीज लेके जा रहा है? रथ लेके जा रहा है. गेट था बंद कर. हाँ बंद कर. तो क्या बताया था मैं आप लोग को? हाँ ठीक है ठीक, वो कर दो. आ रहा है, सुन तुम लोग बैठो, एक जन को दे, सब सुनो. तो देवकी का विवाह हुआ किसके साथ? कम, वसुदेव के साथ. कम्स क्या कर रहा है? लेके जा रहा है. और तभी एकाएक भविष्यवाणी हो जाती है, अरे मूर्ख रथ लेके जा रहा है.
यही देवकी का आठवां गर्भ तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। समझ रहे हैं? ये सुन के पूरा एकदम पूरा सुन के कम से एकदम एकदम तुरंत उसने तलवार निकाल लिया और बाल पकड़ा उसका छोटा इससे, समझ रहे हैं? मार तुरंत। अभी थोड़ी देर पहले लाखों हजारों में मेरी अभी अलग भजन गाया था, गेट बंद कर, समझ रहे? अभी थोड़ी देर पहले भजन गाया था लाखों हजारों में मेरी बहन है और अभी उसी को गला काटने। इस दुनिया के रिश्ते ऐसे ही, ये केवल कम्स नहीं है, हमारे हृदय का कम्स है, हमारे हृदय में बैठा ही हम ही लोगों कम्स। आप समझ रहे हैं? ये कम्स बाहर नहीं है, हम ही है वो कम्स। समझ रहे हैं? ये हम स्वयं उस रूम बीच में समझेगा नहीं वो। हाँ ठीक है, बीच में फिर फ्लो बिगड़ जाता। ठीक, तो मैं क्या बताया था अभी? हाँ, अभी कम्स क्या करा है, कैरी करा था किसको? प्रेम से देवकी के रथ को ले जा रहा है, ठीक है? और एकाएक जैसे उसने न्यूज सुन लिया कि इसी का बेटा तुमको मारेगा, तुरंत कम्स ने क्या किया, उसको छोटा पकड़े मार दिया। तो दुनिया में वो सुपरफिशियल रिलेशन है आजकल। कैसा रिलेशन है? जब तक मेरे भला कुछ से कुछ फायदा होगा, मेरी बहन ने मेरे को फायदा होगा, तब तक मैं सेवा करूंगा, और जैसे पता चला उसको मेरे को हार्म करेगी उसी को गला काट। ये जो बोलते लव लव अफेयर्स क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि लव अफेयर्स है ही नहीं, लस्ट अफेयर्स है। आज जितने भी रिलेशनशिप कैसे हैं, मेरे को क्या मिलेगा? मैं भाई हूं, मेरे को आनंद आएगा ले जाने में तो ले जाऊंगा, और मेरे को कष्ट भी लगेगा तो गोली मार दू। तो हम भी आजकल ऐसा ही तो रिश्ता रखते हैं, किसी से कैसा रिश्ता है, उससे फायदा मिलेगा तो उसका सेवा करने तो गोली मार दू। आज हमारी दुनिया में कैसा रिश्ता है, किसी से फायदा होगा तो चलो तुमको हम हेल्प करेंगे, तुम बात सुनेंगे, नहीं तो तुम गोली मार दो। ऐसा ही हो रखा है कि नहीं हो रखा है? ऐसा हो रखा है कि नहीं? हाँ, मेरे तुमसे फायदा होगा तो तुमको मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा, नहीं होगा तो। बट ये भगवान नहीं सिखा रहे, ये सही वे ऑफ लिविंग नहीं। इसीलिए रिश्तों में जब तक फायदा होगा तब तक सेवा करेंगे, नहीं फायदा होगा तो हम सेवा। ऐसा समाज क्रिएट कर लेंगे जहां पर केवल लोग आपको तब सेवा करें जब आपसे कुछ मिले, जब आपसे नहीं मिलेगा तो आपको छोड़ देगा। मतलब आपकी पत्नी शादी हुआ, पत्नी का चेतना इससे जब तक ये पैसा देते रहे तब तक मैं इसके साथ रहूंगी। अब जीवन में अप्स एंड डाउन गुजरता है, कभी कभी आप हो सकता है क्राइसिस या पैसे का, तो आपको छोड़ देगी, समझ रहे? और आप भी हमेशा उसको इंजॉय करने का सोचे हो, ब्यूटीफुल है जो भी है, उससे मेरे को जब तक, मान लो बेचारी कुछ ब्यूटी कम हो गया, कुछ हो गया, रोग हो गया, तो फिर छोड़ देंगे। इसके कारण क्या हो गया है, आज पूरा वर्ल्ड पूरा सैलो हो गया, क्या हो गया एकदम वर्ल्ड, कोई डेप्थ नहीं है, कोई डेप्थ। तो मेरा रिश्ता क्या, जब तक उसे फायदा हो तब तक रिश्ता है, नहीं होगा तो गोली मार। समझ रहे? ऐसे वर्ल्ड में कोई हैप्पी रह सकता है लॉन्ग टर्म? क्या आप फूल डरे हुए हो कि जब तक मैं अच्छा करूंगा, बिकॉज जब तक कोई मेरे को फायदा है तब तक मैं उसकी सेवा करूंगा, समझ रहे? तो फिर दूसरे लोग भी मेरे साथ वैसा ही डील करेंगे, जब तक मेरे से कुछ हुआ तब तक मेरी सेवा करेंगे। कल मेरा टैलेंट खराब हो गया, कुछ मैं नहीं कर पाया तो मेरे को छोड़ देंगे, ऐसा दुनिया में लोग हैप्पी रहेंगे? ऐसी दुनिया में लोग हैप्पी रहेंगे?
जब तक आप परफॉर्म करोगे तब तक आपका वैल्यू है, जिस दिन परफॉर्म नहीं करोगे उस दिन उसके बाद आपको लात मार के भगा दिया जाएगा। और आज ये समाज कम सा समाज हो गया, आज के समाज में पूरा कम्स का, इसलिए आज माँ बाप डरे हुए रहते। बच्चा को जब तक सेवा करेंगे तब तक बच्चा हमको माँ बोलेगा पापा बोलेगा, जैसे सेवा बंद पापा बूढ़ा हो गया गोली मार के भाग हो ही रहा। जैसे शादी हो जाता है उसको मतलब माँ बाप का अर्निंग कम हो जाता है निकाल देता है। झूठ बोल रहे हैं क्या, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ डाउटफुल है क्या, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा 90% ऐसा हो रहा है कि नहीं? तो जब समाज में कम्स का मेंटेलिटी बढ़ जाता है तो कम्स का मेंटेलिटी रहता है तो बहुत बहुत सेवा भी करेगा, जब आपसे कुछ मिलेगा तो बहुत सेवा करेगा। जब तक आप पैसा दे रहे हो कुछ खर्चा कर रहे हो तब तक बहुत प्रेम है, तुम्हारे लिए मैं सब करूंगी कुछ भी कर दूंगी तुम। जब फैसिलिटी आप नहीं दे पाओगे गेट लॉस्ट, यही हो रहा है समाज। तो आज से पहले जब भगवान सेंटर में रहते थे लोग तब डाइवोर्स होता था, लेकिन वही भाई ठीक है मैं उसका बेटा मारेगा तो मैं अपनी बहन को मार दूं क्या उसके लिए? ऐसे भी मरना है तो वसुदेव समझाया भाई ऐसे भी तो आपको एक दिन मरना ही है, नहीं मरना है क्या? अनाउंसमेंट हो गया कि इसका आठवां बच्चा मारेगा, तुरंत इसी को मारने लगे, समझ रहे हैं? तो इसका आठवां बच्चा नहीं मारेगा तो नहीं मरेंगे क्या? हाँ अगर मान लीजिए उसका आठवां बच्चा नहीं मारेगा तो हम नहीं मरेंगे क्या? हाँ मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो वसुदेव समझाए भाई ऐसे भी तो आप एक दिन मरोगे बाबा, शरीर मिला तो एक दिन मरेगा, ऐसे भी शरीर तो ऐसे ही मर ही रहा है रोज, उसके लिए आप नया पाप क्यों कर रहे हो, अपनी बहन को क्यों मार? बहुत समझाया, समझा नहीं, बहुत समझाया लेकिन समझा। तो वसुदेव बोला ठीक है। तो भगवत गीता भगवान से कहा जब तक आप एक कम्स मेंटेलिटी में रहोगे तो आपके रिलेशनशिप बहुत सलो रहेंगे, बहुत सलो रहेंगे। कम्स मेंटेलिटी मतलब क्या? शारीरिक चेतना, मतलब क्या? वसुदेव समझाए भाई तुम शरीर नहीं आत्मा हो, शरीर का नुकसान होता है आत्मा का कुछ नहीं होता। तुम मान ही नहीं रहा कि नहीं मेरा शरीर खत्म हो जाएगा, मेरे को इसका बेटा मार देगा। शरीर को मारेगा या आत्मा को मारेगा? नहीं, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, खड़ा कर फिर देखा कि ये तो सुधरेगा नहीं, अभी तो ये मानने के मूड में। बोला ठीक है देवकी तो नहीं मारेगी ना? बोले देवकी नहीं मारेगी, उसका बेटा मारेगा ना? बोला हाँ, तो बेटा हम लाके दे देंगे, बेटा होगा तो हम लाके। तो वसुदेव का वर्ड्स का वैल्यू था तो उस बोला ठीक है। उसको जब पहला बेटा हुआ तो उसने अपने हाथ से किसको देके आया, तो कम सोचा यार लाके दे दिया तो सच्चा आदमी है। बोले नहीं पहला बच्चा को छोड़ दो यार, पहला बच्चा तो ऐसे भी आठवां बच्चा मारेगा ना? नहीं मारेगा। कम्स के अंदर अच्छाई आ गया, वासुदेव की अच्छाई से किसके अंदर अच्छाई आ गया? तो इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। किसके साथ रहना चाहिए? वसुदेव कम्स का भी भला चाह रहे, जो कम्स उसको मारना चाह रहा उसकी वाइफ को उसका भी क्या चाह रहे, तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो आपके अंदर भी अच्छे विचार रहेंगे। समझ रहे आप लोग पॉइंट? कम्स के साथ रहने के कारण वसुदेव के रहने कम्स के अंदर अच्छे विचार आ गए, यार पहला बच्चा थोड़ा ना मरेगा, कौन मारेगा? लेकिन ये लोग का दिमाग कभी भी खराब हो सकता है, जो बहुत दिनों तक गलत एसोसिएशन में रहे ना तो उनके मन में अच्छा विचार आएगा भी लेकिन फिर गलत विचार आ सकता है। तो थोड़ी देर बाद उसको फिर से लगने लगा नहीं नहीं क्या भरोसा है लोग का, समझ रहे हैं? नारद मुनि आके बोले भाई विष्णु का कोई भरोसा नहीं है, पहला नंबर दूसरा नंबर सब एक ही होता है उसके लिए। तो फिर वो बोला कि बात तो सही है, जैसे फ्लावर को एक एग्जाम्पल दी कि फ्लावर को घुमाए तो फ्लावर में कौन सा वन है कौन सा एट है, आठ पेटल था घुमा दोगे तो फर्स्ट यहाँ से फर्स्ट गिनो तो ये एट हो जाएगा, यहाँ से गिनो कोई भी फर्स्ट कोई भी एट हो सकता।
नारद मुनि उसको बिविल्डर कर दी कि देखो विष्णु कोई भी हो सकता है। तो घबरा गया कि हो सकता है यही पहला बच्चा है विष्णु, तो जाके मार दिया उसको। उसके बाद दूसरा बच्चा फिर पैदा हुआ, फिर वसुदेव क्या कर किसको देके आए, फिर मार। तब जाके फिर आठवां बच्चा कौन हुआ, भगवान श्री कृष्ण। वसुदेव को क्या, भगवान कृष्ण को आने के लिए क्या चीज करना पड़ा उनको, अपने छह बच्चों को अपने हाथ से मरवाना पड़ा। कितने लोग चाहते कृष्ण आपके हृदय में आ जाए, बोले हरी बोल, बोल तो रहे हैं आप, लेकिन आपको अपना बच्चा खुद मरवाना पड़ेगा। रेडी है? ये छह बच्चे क्या है, ये छह बच्चे हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य और मोह। तो हमारे हृदय में जो वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। जब तक छोड़ेंगे तब तक कृष्ण नहीं आएंगे। आप सोचेंगे हरे कृष्ण बोलने से कृष्ण आएंगे, इतना आसान नहीं है। अगर आप कृष्ण को देखना चाहते, कृष्ण से बात करना चाहते, चाहते कृष्ण आपके बिन, और कृष्ण किसी के फ्रेंड बन गया तो उसको दिक्कत होगी। कृष्ण भगवान से तेरा कांटेक्ट हो गया, जो बोलोगे तेरे से ले हो जाएगा। भगवान से फ्रेंडशिप करना चाहेंगे नहीं हम लोग, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये छह बच्चों को जैसे वसुदेव ने अपने हाथ से देके आए कम्स को, वैसे ये छह अनर्थों को हमें छोड़ना पड़ेगा। कौन से छह अनर्थ, इतना आसान नहीं छोड़ना। नहीं तो छोड़ने का प्रयास करेगा, प्रयास भी करेगा, धीरे धीरे भगवान उसके हृदय में आना चाहते। आप क्रोध, मतलब क्रोध का सोर्स है काम, बिना काम के क्रोध कभी आता नहीं। क्रोध का नाम है कामानुज, क्रोध को क्या बोलते हैं, जब काम फुलफिल नहीं होता तब क्रोध आता है। क्रोध कब आता है, नहीं तो क्रोध आ ही नहीं सकता। भगवान बोले ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायत, जब आप भोगों में भोग ध्यान लगाते हैं और वो नहीं फुलफिल्ड होता है तब वहां से क्रोध आता है, नहीं तो क्रोध आ ही नहीं सकता। अगर आप में काम वासना नहीं तो क्रोध आ ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर काम वासना नहीं है तो क्रोध कैसे आएगा, कुछ नहीं फुलफिल हो रहा तभी क्रोध आता है। जैसे तो इसका मतलब आपके अंदर काम वासना है ना, अरे आपके अंदर काम वासना है ना, आप चाहते हैं लोग मेरे को रिस्पेक्ट करें, ये तो एक वासना है कि मैं मेरे को रिस्पेक्ट करें। आपका रिस्पेक्ट का इच्छा है ना, ये आपका इच्छा है ना, इसका मतलब आप अपने आप को शरीर मानते हो। क्या आत्मा को चिढ़ा सकता है क्या कोई, जब मेरे को मान लो कोई बोलेगा अरे कल्लू, उससे मैं चिढ़ जाऊं, इसका मतलब मैं आपको शरीर मान रहा हूं अपने आप। मैं क्या मान रहा हूं, शरीर मान रहा हूं, इसका मतलब मैं मोह में हूं। क्या चीज में हूं, कोई बोल देगा मान लो कल्लू, तो मैं हो गया क्या उसको बोलने से, लेकिन मैं चिढ़ जा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं अभी भी काम के द्वारा प्रभावित हो रहा, मोह के द्वारा प्रभावित, इसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा कभी काली नहीं होती, आत्मा कभी गोरी नहीं होती, आत्मा कभी पतली नहीं होती, मोटी, समझ रहे हैं। कोई चिढ़ा रहा है वो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन मैं चिढ़ जा उससे चिढ़ से चिढ़ जा रहा हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम। समुद्र में जा रहे हो, जहाज के बाहर पानी है, पानी अच्छा ही खराब है। अगर मान लो जहाज पानी नहीं हो समुद्र में तो फिर चल पाएगा जहाज, पानी अच्छा ही खराब, लेकिन पानी अंदर घुस जाएगा तो वैसे ही दुनिया में नेगेटिविटी है, लेकिन आप उस नेगेटिविटी से पॉजिटिव आगे बढ़ सकते हैं। वही नेगेटिव पानी से आप आगे बढ़ सकते हो, पॉजिटिव बना सकते हो उसको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप ध्यान नहीं दोगे, नेगेटिव को अंदर घुसा लोगे तो फिर डूब जाओगे। वही नेगेटिविटी आपको आगे बढ़ा सकती है। ये लोग मेरे को चिढ़ा रहे हैं कि मैं कमजोर, तो और पढ़ूंगा मैं, इतना कम मार्क्स आया, इतना 42 आया, कोई बात नहीं मैं और पढ़ूंगा। सेम नेगेटिविटी को आप यूज करके जहां से आगे बढ़ गए,
लेकिन मैं 42 आया, मैं तो बेकार हूँ, मैं कॉलेज के लायक नहीं हूँ, मैं कहाँ से आ गया, तू कहाँ से आ गया यहाँ पर, बेकार है तू, बेकार हूँ मैं, बेकार हूँ मैं, बेकार हूँ। अब एक ही सॉल्यूशन, 80 ले आओ, मेरा जीवन कोरा। सो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको डिस्करेज कर दे अगर आप डिस्करेज नहीं हो। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको डिस्करेज कर सके अगर आप डिस्करेज नहीं होना चाहते। लेकिन आप डिस्करेज होना चाहें तो फिर तो अभी भी डिस्करेज हो। दुनिया का लोग तो कुछ भी बोलता रहेगा, उनका बोलने का कमी है। एक बार एक लड़का जा रहा था रास्ते, समझ रहे हैं, वो बेचारा सीधे सीधे जा रहा था, समझते हैं, जब सीधे सीधे जा रहा था कुछ लोग ऑब्जर्व किया उसको, कितना घमंड है इसको, सीधे चलता है, ठीक है तो नीचे चलने लगा, जरूर कुछ पाप किया है, जरूर कुछ पाप किया, ठीक है चल रहा है। बेचारे ऐसे ऐसे देख लिया, घर का बहू बेटी देख, इधर देख रहा तो घर का बहू बेटी देख रहा है, ऊपर देख रहा प्राउड, नीचे देख रहा तो जरूर पाप किया, इधर देख रहा तो बहू बेटी, आंख बंद करके चले क्या, हाँ बार बार करो तो बुरा गुस्सा, आंखें फोड़ दिया, क्या कर लिया, आंख फोड़ दिया, क्या ऐसा बोल रहे, आंख फोड़ देते, आंख फोड़ दिया, आंख फोड़ दिया तो क्या बोलता है, देखा अपना कर्म भुगत रहे। तो दुनिया को लोग क्या करेगा, तू कुछ करेगा, कोई एंड नहीं, कोई एंड नहीं है, समझ रहे हैं। इसीलिए तुमको अपना गीता पढ़ के अपना आइडियल सुनना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं वो कर रहे हो तो खुश रहो, दूसरा का बात ना सुनो, भगवान जो बोल रहे वो करो खुश रहो। दुनिया में कितना लोग सुनोगे, कुछ भी करो लोग गाली देगा, समझ रहे, मानो जमीन पे बैठे हो, वो जमीन पे बैठ गए, जमीन गन्ना है, भगवान बोले जमीन में बैठना है, समझ रहे हैं, हजार लोग कुछ कमेंट मारो उनका बोलने से क्या, समझ रहे, उन लोग को बोलने से क्या होता, तो हर दिन चेंज करते अपना वर्ड, बट भगवान कृष्ण को जो ले आएगा अपना हृदय में वो रिच है। कब आएंगे कृष्ण, पहले 6 लोग को मारना अपना, काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, इतना आसान नहीं है, हटाना। आर वी रेडी, रिमूव अब क्रोध काम, और क्रोध डायरेक्ट नहीं आता है, क्रोध कहाँ से आता है, काम से आता है, मोह से आता है, डायरेक्ट नहीं आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा मोह क्रोध, डायरेक्ट आंसर है क्वेश्चन, हाँ। तो हमें 6 नर्सों को हटाना पड़ेगा, उसके बाद 7वां गर्भ में कौन है, बलराम जी आए, कौन है, बलराम जी क्या गुरु तत्व है, कौन है। तो जब हम जीवन में गंदगी को हटाने का प्रण लेंगे, केवल माला करने से नहीं होगा कि माला करेंगे और कुछ भी करेंगे चलेगा, ऐसा नहीं, माला करेंगे और धीरे धीरे हम भगवान अब मैं पाप नहीं करूंगा, धीरे धीरे पाप छोड़ूंगा, एक दिन मैंने धीरे धीरे अब गंदगी काम नहीं करूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, मैं पाप के नियम के अनुसार जीऊंगा, समझ रहे हैं। तो ये स्टैंड जब आप ले आओगे, कलयुग का 4 महापाप है, मांस खाना, दूसरे अपनी पत्नी को छोड़कर और किसी संपर्क करना, और नशा करना, जुआ खेलना, मतलब क्विक मनी अर्न करना, जुआ खेलना मतलब ये नहीं हुआ कि जस्ट गैम्बलिंग है, जुआ मतलब बिना हार्ड वर्क किए पैसा कमाना, जैसे आप डॉक्टर हो तो आप किसी का इलाज कर दो तो पैसा लो, आप झूठ मूठ का पैसा लोगे, जो आजकल ये सब MR से डॉक्टर लोग शाम बोल रहा था, MR से ज़्यादा बात कर रहा है कि पेशेंट को डायरेक्ट MR के पास भेज रहा है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसके कमीशन ले रहा है, 50,000 का पार्टी कर रहा है, दारू ये सब हट रहा है, ये सब बता रहा है। इसको बोलते हैं जुआ, इसको क्या बोलते हैं, महापाप। सही तरीके से पैसा नहीं कमाते हो आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स है।
दो थप्पड़ मारने चिल्लाओ ना मैं ऐसे बोले हमको। हाँ तो इसलिए तो बोल रहा है ये तो कम स्लोग है। बोले कि जहाँ मौका मिले और 90% ऐसे लोग मिलेंगे 95% बहुत ही। अरे 60-60 साल का बूढ़ा लोग कॉलेज हल्दिया कॉलेज उसका जो प्रिंसिपल 80 साल का अभी दूसरा शादी किया 80 साल का उम्र में 71 साल का एक बूढ़ा घर में दो ठो बेटा है दो ठो बेटी है पोता है इतना कोई 71 उसकी पत्नी मर गई तो बोला हम दूसरा शादी करेंगे क्या करेंगे हम तो बच्चा लोग समझाया कि भाई पिताजी अभी इस उम्र में शादी करेंगे बोला पास शादी करेंगे तो घर में नहीं रखेंगे। तो वो एक उसके पास गया तांत्रिक के पास कि हमको एक तो लड़की चाहिए सख्त करने के। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रिकॉर्डेड उसके वॉइसेज है ये मैसेज मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन मैं प्रचार करता हूँ बहुत सारी माताएं मेरे को कंप्लेन करे मैनी वुमेन वे कंप्लेनिंग मी कि आदमी ऐसा करता है मुझे विश्वास मैं तो किसी के लाइफ में इतना घुसता नहीं। तो उसका रिकॉर्डिंग्स बताए थे उसका बेटा मोबाइल में सुना कि वो तांत्रिक से मिलने गया बोला मेरे को बेटा लोग शादी नहीं करे मेरे को सेक्स करनी चाहिए डायरेक्ट बोला मेरे को क्या करनी चाहिए आई नीड टू हैव सेक्स। बेटा लोग शादी करने नहीं दे रहा समझ रहे प्रॉपर्टी का लॉस होगा बहुत सारा लॉस होगा और ये क्या किया तांत्रिक से बात किया तांत्रिक बोला 20,000 रुपया तांत्रिक लेडी थी सुंदरवन में बोले कि मेरे को 20,000 रुपया दो और तुम्हारे पास लेडी आ जाएगी। अभी लोग पास तांत्रिक लोग पावर होता है तो ये लोग पावर मतलब जो अच्छे लोग उस पर पावर नहीं लगा सकता जो जपूप करता है उस पर पावर लेकिन जो लोग पाप करता है उस पर वो तो वो लोग क्या करता है किसी को जो कोई लड़की थोड़ा सा वीक है कुछ गलत हैबिट्स में उसके पर तांत्रिक पावर डालेगी तो वो माथा उसका खराब हो जाएगा और रात को उसके पास चली जाएगी। तो 70-71 साल में घर में तो ये बात जब पता चल गया उसका बेटा को वो गलती से मोबाइल छोड़ के बाहर गया तो तांत्रिक ने बोला था एक दीपक चला के रखना तो मुझे बोला था आज रात को आएगी मतलब तो रिकॉर्डिंग सुन लिया बेटा तो बेटा घबरा गया भाई किसको तांत्रिक माथा मारेगा कहीं घर की बहू बेटी को ही मार दिया तो उसके साथ इलिसिट सेक्स हो जाएगा समझ रहे हैं। तो सब बहू लोग डर गया सब रूम वूम लॉक कर लिया तो लड़का भी डर गया भाई कौन सी आएगी वुमेन यहाँ पर हमारे घर में तो तांत्रिक बोला था वो दिया जला के रखना तो दिया जाके बंद कर दिया इसका बेटा तो रात को कोई आया नहीं रात बहुत डरा हुआ था उसने समझ रहे हैं। तो पॉइंट ये बताया था कि ये मत सोचना कि आपको वासना सबके अंदर सब बूढ़े अंदर लोग के अंदर भी गंदी वासना होती है। आज मेरा एक लड़का फ़ोन किया बोले मैं और कंपनी में काम नहीं करूँ क्या हो गया बोले जितना लड़के 60-60 साल का बूढ़ा हो सब समय एक ही बात करता है सेक्स 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 उसको लड़की दिला तो सेक्स करेगा उसका घर में वाइफ है फिर भी सब समय सेक्स सेक्स सच्ची घटनाएं बता रहा हूँ हवा में नहीं बता रहा इट्स अ फैक्ट सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो वो लोग जानवर है तो हम भी जानवर बन जाए क्या वो लोग हैप्पी है क्या अपना लाइफ इतना पैसा कमा रहा है हैप्पी जब भगवान का नियम फॉलो नहीं हैप्पी नहीं हो करोड़ों रुपया कमा लो फिर भी कोई बीमारी हो जाएगी कोई आपका बेटी नहीं सुनेगा आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। अरे मैं अरबपति लोग से मिलता हैप्पीनेस जितना हम लोग को हैप्पीनेस है बिना कुछ रखे तो लोग शरीर में डिप्रेशन तो ये तो मेघालय में प्रोग्राम कर रहे बड़े बड़े उधर कंपनी के टॉप लीडर्स थे वो मेरे को बताया था पूजी मेरे को दारू पीने का आदत हो गया कैसे छोड़े अरबपति खरबपति लोग नहीं छोड़ पा रहे बैठे समझ रहे हैं। केवल पैसा कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं पैसा अगर गलत तरीके से कमाओगे तो चेतना गलती हो जाएगी तो पाप पुरुष आपको शांति से बैठने नहीं देगा माथा खराब हो जाएगा पागल हो जाओगे समझ रहे हैं। इसीलिए अब आपका चॉइस आप किसका संग आप कम स्लो का संग करना चाहते हो वासुदेव लोग का संग किसका संग करना चाहते कम स्लो का संग करके शुरू शुरू में थोड़ा अच्छा लगेगा बाद में अच्छा नहीं लगेगा। एक आदमी था डॉक्टर सीतामढ़ी का था फिर दिल्ली में जाकर पढ़ाई वढ़ाई करके अपना क्लिनिक खोला बहुत पैसा कमाया
फिर पटना में भी एक क्लिनिक खोलिया, उधर भी खूब कमाया, फिर सीतामढ़ी में भी खोल लिया, लेकिन इतना कमाने का मन शांत नहीं हुआ। इतना कमाने के बाद भी मन शांत, शादी किया, अपनी पत्नी को क्या क्या गैजेटेड ऑफिसर हो गया था, क्या हो गया था, तो डेथ इंश्योरेंस उसके नाम पे था 1 करोड़ रुपया, उसको घर उठा दिया, वाइफ को 1 करोड़ रुपया निकाल लिया, फिर दूसरा शादी उसको भी मरवा दिया, के नाम से भी कितने का, ये फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो अब सुखी हो जाएगा, वैसा पैसा डाइजेस्ट नहीं होता, फिर उसको बैक पेन हो गया, क्या हो गया, 7 बार मुंबई में जाके ऑपरेशन कराया, फिर भी ठीक नहीं हुआ, अब उसके बैंक अकाउंट में 2 अरब रुपया, समझ रहे, लेकिन जो बैठता है तो 2 अरब रुपया अकाउंट में, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा 2 अरब रुपया है, जाएगी मेरे बैग में, यहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन मेरा अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, हैप्पी होगा क्या, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया, लेकिन मजा आएगी नहीं, क्या फायदा ऐसा हैप्पीनेस का, पैसा है लेकिन तुम चूंकि प्योर लाइफ नहीं जी, फंसोगे 100% फंसोगे, समझ रहे, इसलिए डोंट बी चीटेड, डोंट बी, 99% लोग तुमको चीट करेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक आदमी दिखा दो ऐसा लोग जो हैप्पी, चलो उसके लाइफ देखते बेटा का, जो बोल रहे ना जहाँ पैसा मिल ले लो, उसका लाइफ देखो, तो ऐसा जब पैसा कमाओ तो ग्रीड आएगा, क्या आएगा उससे, ग्रीड आएगा, अब ग्रीड आएगा, मान लो मेरे को अब रसगुल्ला 1 ठो दिया जाए, अब मैं एक खाऊं, मेरे मन में ग्रीड आ जाए 4 ठो खाने का, अब दूसरा है मेरे पास कोई भी रसगुल्ला नहीं, मेरे पास सिंपल रोटी सब्जी, लेकिन भगवान का नाम ले खा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, कौन ज़्यादा खुश है, जो रोटी सब्जी खा रहा है या जो 50 आइटम खा रहा है लेकिन उसका मन में ग्रीड है, रोटी सब्जी, जिसका मन शांत वही हैप्पी है, तो जो जब ऐसा करेगा ना 56 भोग उसका टेबल पर रहेगा, लेकिन संतुष्ट नहीं होगा, जो कंपेयर करेगा कि वो दूसरा फ्रेंड के बाद 108 है, दुखी रहे, ऐसे लोग पैसा कमाएंगे फिर देखेंगे किसी और डॉक्टर को इससे भी आ कमा तो और डिप्रेशन में चला जाए। जैसे एक लड़का था हमारा स्टूडेंट था वॉइस का, तो 4 इन्फोसिस में जॉब लगा, 4 लाख का पैकेज नहीं चली, खुश था अपना, खर्चा ही क्या है, हम लोगों को खर्चा ही नहीं, बाजार में खाना ही नहीं है तो क्या खर्चा करेंगे, इस बच्चे का कोई बुरा हैबिट नहीं है, ना सिगरेट पीना, ना चाय पीना, ना कॉफी पीना, ना बाहर खाना, मतलब संतुष्ट अपना सिंपल खाने, तो खर्चा ही क्या करेगा, तो खर्चा ही नहीं। और दूसरा इसका फ्रेंड एक फोन किया, फोन किया कैसा चल रहा है सुबह, तो बोला मेरा 21 लाख का पैकेज लग गया, और इसको 4 लाख में खुश है, इसको फर्क ही नहीं पड़ा, हमको तो 4 लाख कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाएगा इसका भी बढ़ गया अभी, कोई दिक्कत हमको, खर्चा ही कहाँ मेरा, समझ रहे हैं, तो ही इज हैप्पी विथ 4 लैक्स एंड वो 19 लाख में उसको दिखाया, पता है मेरा कितना लग गया, 19 लाख। फिर 2 दिन बाद वो अपने एक दूसरे फ्रेंड को फोन किया अभिषेक को, और उससे पूछा और तेरा कैसा था, वो बोला मेरा 81 लाख का लग गया, अब पूरा दुखी हो गया, क्या हो गया, कितना लग गया तेरा, कितना लग गया, हाय रे हाय, 19 लाख वाला हैप्पी है, हाँ 19 लाख वाला हैप्पी है, हाँ सोचो इसके बारे में, अभी उसको हैप्पीनेस फील हो रहा था कि मैं 4 लाख से ज्यादा हूँ, और जब बोल दिया 81 लाख वाला तो पूरा डिप्रेशन, तो 19 लाख वाला हैप्पीनेस मिल रहा है क्या उसको, थोड़ा देर के लिए मिला 4 लाख के सामने, लेकिन जब सुन लिया क्या हो गया तेरे को, माइंड के लेवल पे क्यों जीता है जानवर की तरह, नींद आता तो हम लोग को नींद नहीं आता है क्या, मैं कल 3 ही घंटा सोया, मेरे को नींद नहीं आ रहा है, नींद आ रहा तो सीधे बैठो, नींद नहीं आएगा, माइंड को अलाउ करोगे तो नींद तो सबको आता है, मैं तो 9 बजे सोने का हैबिट है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा नींद आ रहा है, और मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ हेल्प करने के लिए, जीवन में मनुष्य मतलब कैपेसिटी है मनुष्य के अंदर, वो चाहे तो अपने इमोशन से ऊपर उठ सकता है, विल पावर से, समझ रहे, लेकिन नहीं उठना चाहोगे तो जानवर रह जाओगे, तो सबसे ज़्यादा नींद मेरे को आ रहा होगा, लेकिन मैं फील नहीं होने दे रहा हूँ, तो मैं सेवा कर रहा हूँ आपकी,
समझ रहे, तुम लोग भुलर जाओगे तो और थोड़ा सा लेट जाओ तो फिर तो पूरा नींद ना है। सीधा बैठना चाहिए, उसका सपोर्ट लेके बैठो, सीधा बैठो। अब कोई मेरे साथ आएगा तो बोले पोज इतना टाइट रखकर मैं क्या करूँ, समझ रहे हैं? मैं आप लोगों को पैम्पर तो नहीं कर सकता। पीछे सपोर्ट लेने लड़की का आदत, समझ रहे हैं? लेके बैठने का तुम लोग के लड़की है क्या? सीधा क्यों नहीं बैठेंगे हम लोग? बूढ़ा हो गया क्या पीछे? और दो तकिया भी लगाए थे, लुढ़क जाओ, बिस्तर भी लगाए थे। लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको एनीहाउ प्रिंसिपल होता है, तो तुम्हारे चॉइस के ऊपर 99% लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको नीचे गिराने। बट याद रखना ये सब प्रिंसिपल्स, भगवान का कहना है गीता में 16.21 भगवत गीता, त्रिविध नरकस्येदम्। बोलिए, ज्यादा कठिन है। त्रिविधम नरकस्येदम्, त्रिविधम नरकस्येदम्, द्वारम नाशनम आत्मनः। तीन नरक के द्वार है, त्रिविध नरकस इदम्, त्रि मतलब तीन, तीन प्रकार के नरक के द्वार। क्या? त्रिविधम नरकस एदम द्वारम नाश, ये आत्मा का नाश करते हैं। क्या है तीन? काम क्रोधस तथा लोभ, तस्मादेतम त्रयम तजे। इसलिए तीन को छोड़ देना चाहिए, तजे छोड़ दो। क्या है तीन? काम क्रोध और लोभ, समझ रहे? काम क्रोध और क्या है? काम क्रोध और समझ रहे? काम क्रोध और लोभ। लोभ आपको भगवान बोल रहे हैं नरक का द्वार है। तो ये जो सिखा रहा है जहां पैसा, ये क्या है? लोभ है कि नहीं? लोभ है। सिखा कहीं से पैसा उठा लो, उसी प्रकार से जिस लोग कहीं से भी खाना मिले उठा लो, फोकट का मिला उठा लो, फोकट का मिल, लेकिन तुम फोकट में उठाओगे उसका चेतना सही नहीं रहेगा, समझ रहे? तो आपको बर्बाद कर देगा। ऐसे लोग भी नहीं सकते। आप क्यों समझाओगे? आपको वही बताना, पानी में आप रह जहाज है, आप नेगेटिव से क्यों इफेक्ट हो रहे हो? आप मत लो ना, बस अपना आगे बढ़ो। आप उसको क्यों समझाओगे? समझाने की जरूरत क्या? हमारे पास अपना वैल्यूज है ना, हम क्यों समझाए? आप नहीं समझ रहे। आज मान लो कोई बोलेगा तुमको कि अरे रंजीत सूरज पश्चिम से उगता है, आपको समझाने की जरूरत है क्या? ठीक है ठीक है, हमको पता किधर से उगता है, किधर से उगता है सूरज, तो उसमें क्या उसको समझाने की जरूरत है क्या? आप कन्विंस हो तो फिर आपको समझाने की जरूरत, आप डाउटफुल हो तो रहे सूरज किधर से उगता? पश्चिम से? नहीं नहीं, हमको लगता है पूरब से। अरे डिस्कशन मतलब कन्विंस नहीं, डिस्कशन मतलब हम कन्विंस। मैं डिस्कस क्यों करूंगा? अगर मान लो कोई बोलेगा कि नहीं रे टॉयलेट खाएगा तो अच्छा रहेगा बॉडी, तो खा लेंगे टॉयलेट, क्या पागल है क्या भाई? डिस्कशन में क्या जरूरत है इसमें? डिस्कशन में जरूरत है क्या कि नहीं टॉयलेट खा लो थोड़ा, खाने का चीज है क्या? क्यों हम डिस्कस करें उसके बोलने से? वो तुम खाओ, हमको कोई जरूरत नहीं। क्या कोई बोल लेगा टॉयलेट खाओ अच्छा रहेगा, तुम एक दिन टेस्ट करेगा क्या? फिर बोला है सर टेस्ट कर लेते हैं, इसका मतलब तुमको मन में विचार आ रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है सर, इसका मतलब तुम कन्विंस हो। इसलिए साधु संग करना, जब हम स्ट्रांग बनता है, क्या बनता है? जैसे एक लड़का था, मैं अभी गया था अयोध्या कुछ दिन पहले, मैं स्टूडेंट था तो बताया था, उसका एक फ्रेंड का फोन आया, तो वो लड़का HIT से पास आउट था, तो वो लड़का क्विक मनी में घुसा। क्विक मनी समझते हैं आजकल? ये आजकल इंटरनेट पर 500 रुपया डालोगे तो 1000 रुपया मिल जाएगा ऐसा करके, तो क्या तो बोलते हैं, नहीं नहीं क्या करेंसी, क्रिप्टो करेंसी ऐसे कुछ। तो वो लड़का उसमें कुछ दिन खेला और उसने 1 महीने में 50,000 रुपया कमा लिया कुछ ऐसे, और उसने 1 साल के अंदर 9 लाख रुपया कर दिया। कितना कर लिया? तो पिताजी खुश हो गया, पिताजी रिटायर हुआ था जस्ट 2 महीना पहले,
पिताजी बोला बेटा मैं 35 साल काम करके टोटल 25 लाख सेव किया और तू एक साल में 9 लाख कर दिया। गजब बेटा, मैं 35 साल मेहनत करके कितना मिला मेरे को 25 मिला और तेरे को 1 लाख एक साल में कितना कर दिया। बेटा बहुत अच्छा, ये ले मेरा 25 भी, करोड़पति बना, मैं तो करोड़पति ये बना, तू तो बेटा मेरे को बना। बेटा को और ग्रीड आ गया, बेटा खेला और बढ़ा दिया पैसा, करीबन 40 लाख हो गया। तो फिर सॉरी निकाल लेते थोड़ा पैसा, तो निकालने का तो मैसेज आया कि नहीं आप निकाल नहीं सकते हैं, आप आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा कुछ, तो 24 लाख रुपया उसको निकालना, तो 25% 6 लाख रुपया था, तो माँ का ज्वेलरी बेच उच के वो 6 लाख रुपया जमा किया, 24 लाख मिल जाएगा। 6 लाख जब जमा किया तो उसको अकाउंट गायब हो गया, अकाउंट क्या किया मतलब कुछ तो सीज हो गया। और ये सब कर क्रिप्टो करेंसी नेशनल में आप उसको केस नहीं कर सकते, वो मतलब कोई बोनाफाइड नहीं, गवर्नमेंट कुछ आपको करेगा नहीं। और उसका पूरा 40 लाख हो गया जस्ट 4-5 महीने पहले के बाद, पूरा उसका पूरा 40 लाख उसने सुसाइड कर लिया। तो देखो ग्रीड देखने में अच्छा लगता है, लेकिन भगवान बोले नरक का द्वार है, मतलब इसलिए ऐसे गंदे लोगों का संग करने जरूरत, उनको ब्लेम करने जरूरत नहीं है, हम उनको हेल्प कर सकते तो हेल्प कर सकते, नहीं तो हम लोग धीरे धीरे और स्ट्रांग बन सकते, कल हेल्प करते, लेकिन वो उनका सारा हमको अपना गंदा उनका वायरस नहीं लेना, या कोई कोरोना पॉजिटिव हो रहा तो हमको उसके पास जाने की जरूरत। आप बहुत स्ट्रांग तो जाइए उसको हेल्प कीजिए, लेकिन सबका ताकत नहीं कि हेल्प करें, जाओगे तुम ही पता चलेगा तुमको भी पकड़ लिया कोरोना, तो पहले आपको भी स्ट्रांग बनना पड़े कि दूसरा कोरोना से हम इफेक्ट, आप समझ रहे हैं, तो पहले पहले हमको इम्यून अपना वो वैक्सीन लेना पड़े। तो वैक्सीन क्या है, भगवत गीता अपना बढ़िया से गीता पढ़िए, नोट्स बनाइए एकदम सॉलिड हो जाइए, जैसे मैंने 20 साल से पापड़ बेला, बहुत मेहनत किया, रगड़ा, प्योर लाइफ जिया, तब जाके मैं आपको बोल पा रहा हूँ ना, इतना आसान है बोलना, मेरे को उड़ जाऊँगा मैं बोलने जाऊँगा तो, ऐसा लोग मेरे को उल्टा पुल्टा बोलेगा, बस मैंने प्रैक्टिस किया, ग्रीड छोड़ा है, सिंपल लाइफ जिया है, तो मेरे पास कन्विक्शन, तो टाइम लगता है। तो ये 6 अनर्थों को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, कौन से अनर्थों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आत्मा, तब जाके गुरु जी का आश्रय लेना पड़ेगा, डिवोटी का संग करना पड़े, उनसे गाइडेंस लेना पड़े, तब जाके कौन आया 8वें गर्भ में। अब जब कृष्ण आए तब तो बधाई है, तब क्या है, जैसे ही कृष्ण वसुदेव ने देखा देवकी के गर्भ से आए, तब मिराकल चालू हो गया लाइफ में। क्या चालू हो गया, कृष्णा ने बोला देखो मेरे को कहां ले चलो, गोकुल। वसुदेव के हाथ में क्या है, क्या बंधा हुआ है, बेड़िया बंदी, पांव में क्या बंधा हुआ है, लेकिन जैसे वो कृष्ण को छुए बेड़ी खुल गया, जैसे कृष्ण को छुए बेड़ी खुल गया। बात क्यों करते रहे, फिर मैं गाली दूंगा तो बुरा लगेगा, मेरे साथ रहो डिसिप्लिन में, समझ रहे, तो कोई फायदा नहीं। मैं क्लास में बैठा, मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ क्लास, तो मुझसे पूछो कुछ फिर बताया था। अब यहाँ से हैप्पी स्टोरी चालू होता है, यहाँ तक स्ट्रगल है कृष्णा कॉन्शियसनेस, यहाँ तक आपको छोड़ना पड़ेगा चीज, वहाँ के बाद फिर आप भगवान करे भगवान अब आ जाएंगे जीवन। कुछ सालों तक दिक्कत है, काम करो छोड़ना बोले क्या पूरी क्या चीज फंस गए, काम अच्छा नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, इतना नियम कानून बाजार में नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, लड़की पटा नहीं सकते, एक ही बस अपनी वाइफ के साथ रिश्ता रखना, इतना नियम कानून, शुरू में सब नियम कानून, लेकिन एक बार कृष्ण आ गए, जैसे वसुदेव के जीवन में कौन आ गया, अब उसका हाथ का बेड़िए खुल गया रे बाबा, और उसने देखा कृष्ण जन्म के साथ देखा, उसने आंखों से देखा कि कृष्ण चतुर्भुज रूप में जन्म लिए, किस रूप में, कपड़ा के साथ, कोई बच्चा आज तक कपड़ा के साथ जन्म लिया है, मुकुट के साथ, वर्णन है भागवत, किसके साथ जन्म लिया, मुकुट के साथ कृष्ण जन्म लिया। जैसे ही कृष्ण आए पूरा माहौल पूरा मतलब एरिया में ना पूरा पॉजिटिविटी आ गया, सब कुछ ठीक होने लगा, ऑस्पिशियस सिम्टम्स आ गया सब। तो जैसे जैसे आप पाप छोड़ोगे जीवन, थोड़ा तकलीफ पाप छोड़ना इतना आसान नहीं, सब लोग परेशान करेगा आपको, कमेंट करेगा,
आप अगर लग गए कि नहीं मेरे को गलत नहीं करना है, मेरे को रोज अच्छे सोलमाला करनी है, मेरे को नहीं करना है, मेरे को ग्रीड में नहीं जाना है, मेरे को मांस नहीं खाना है, मतलब आप थोड़ा सा टाइट हो जाओगे अपने लाइफ में, दिक्कत होगा शुरू में, लेकिन ये एक बार पार कर गए जाओ इसको, जब कृष्ण आने लगेंगे आपके जीवन में, तब आपका जीवन मिराकल्स हो जाएगा। क्या बोलने लगेगा, समझ रहे हैं? और तुरंत उसको कौन दिख रहे हैं, कृष्ण का अद्भुत दर्शन हुआ। उसके बाद वो देखा जैसे कृष्ण, अब कृष्ण छोटे बच्चे का रूप ले लिए, जैसे गोदी में उठाया, जैसे उठाने का प्रयास ही कर रहा था, सब बेड़ी खुल गया। और जैसे वो फिर चलने का प्रयास किया कि गोकुल लेके जाना, तो बेड़ी पांव का खुल गया। और 7 गेट थे, कितने गेट थे, और सब गेट कीपर सो गया, और जैसे गेट के बगल में आया गेट खुल जाता था, सेकेंड गेट। तो अब मिराकल देख रहे क्या हो रहा है, यमुना में गया बाढ़ आ रखा, लेकिन जब वो अंदर घुसने लगे पानी खुलने लगा, समझ रहे हैं? तो दिस विल हैपन इन योर लाइफ, अगर आप सही से सोलह माला करेंगे, या मतलब बढ़िया से माला करेंगे, भगवान को जोड़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लोग परेशान करेगा आपको, कह रहे ये सब क्या फंस गया, हाँ क्या हरे कृष्णा करता पागल, लेकिन फिर भी आप करते रहोगे अपना, और आप ये सब चार पाप नहीं करोगे, तो आपके जीवन में कौन आ जाएंगे, कृष्णा। एक बार कृष्णा आ गए तो, और आज भी मेरा आज मैं 25-30-40-45 कपल का क्लास ले रहा था, जो लोग शादी कर लेते हैं तो उनका मैं क्लास ले रहा था उसमें एक डिवोटी अपना रिलेशन शेयर कर, कभी वो वृंदावन आए थे, वृंदावन में 1000 लोग का यात्रा लिया था, फिर वो अपने घर गए थे धनबाद, फिर वहाँ से इंदौर उनका ऑफिस जा रहे थे वो उसकी वाइफ, चलो तो भगवान का लड्डू गोपाल का विग्रह कैरी कर रहे थे, जब कैरी कर रहे थे तो वहाँ पर क्या हुआ कि उनकी ट्रेन चूँकि लास्ट मिनट बुक किए थे धनबाद टू इंदौर, तो ट्रेन डायरेक्ट नहीं मिली थी, तो बीच में एक स्टेशन मिली थी जो कि रात को पहुँचेगी 8 बजे, और फिर 11 बजे ट्रेन थी सुबह इंदौर पहुँचेगी 7 बजे। अब वाइफ है साथ में, यंग वाइफ, और वो दो लोग थे लड्डू गोपाल, अब वो ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो मतलब टिकट नहीं आपके पास, टिकट आपके पास, पत्नी दोनों लोग मिलकर अब रात को थके हुए भी थे, बीमार भी लग रहा, जनरल में घुसने का ताकत नहीं वाले लोग का, कोई लोग किस में घुस गया, समझ रहे हैं, किस में घुस गया, स्लीपर में बैठ गया, अब रात को 11:30 बज रहा, टीटी तो आएगा तो परेशान ही करेगा, जाने रहे आपका टिकट भी होता तो आई कार्ड वी कार्ड कुछ ना कुछ परेशान करना चाहिए उसे, और इधर तो पास टिकट भी नहीं है। अब क्या हुआ एक आदमी रात को आया उनके पास कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा सीट है, इन लोग बताया भी नहीं, वो खुद से आया और बोलता है मेरे पास एक एक्स्ट्रा सीट है, आप लोग S4 में चले जाए, 74 मेरा सीट, समझ रहे, इन लोग बताया भी नहीं कि हमारा सीट नहीं, मतलब समझ, अपने आदमी आया तो इन्होंने पूछा आपका नाम क्या, तो मेरा नाम गोपाल है, जस्ट 2 दिन पहले का बात, समझ रहे हैं, वो लोग गए और उसका बिंदौर तक बुक था वो सीट, पूरा सो लिया आराम से रात को सुबह उठ के। तो ये जब आप ऑनेस्टली प्रैक्टिस करोगे जब, तो फिर कौन आ जाएंगे आपके जीवन में, कदम कदम में आपको भगवान दिखेंगे, आई बहुत स्वीट हो जाएगी, लेकिन शुरू में सब फेजेस से आपको गुजरना। तो दिस इज द स्पिरिट ऑफ जन्माष्टमी, क्या है जन्माष्टमी की स्पिरिट, हमें कृष्ण को ऐड करना है, किसको ऐड करना है, कितने लोग कृष्ण को ऐड करना चाहते तो इसके लिए आपको हमको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। तो भारत में आज क्या है, बस जन्माष्टमी में जाके हरे कृष्ण ताली में जाके आएगा, फिर जाके कुछ गड़बड़ भी करेगा, लेकिन ऐसे से भगवान मिलते तो आपको 6 चीज छोड़ना पड़ेगा, अपने से ही छोड़ना पड़ेगा, इसको जेन्युइनली छोड़ना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। तो पहले मैं बाजार में खाता था, उसे नहीं, भगवान को बिना अर्पित किया नहीं खाऊंगा, शुरू में दिक्कत होता है, लेकिन धीरे धीरे मैं प्रयास किया, फिर मैं भगवान को अर्पित करके ही, फिर धीरे धीरे मेरे को फिर हायर टेस्ट मिलने लगा, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बस क्या करना पड़ेगा, खास करके जो भी माला करेंगे अच्छे से ट्राई करना चाहिए, 16 माला करने का 2 घंटा, और प्लस 4 ये पाप को छोड़ेंगे, ये जो 6 चीज़ छोड़ना, मतलब आज के जीवन में, आज के लाइफ में अगर आप कृष्ण को लाना है तो 4 चीज़ छोड़ सकते, कलयुग में 4 चीज़ों में पाप है, देखिए जुआ खेलना मतलब बिना जेन्युइन तरीके से पैसा कमाना, जैसे आप डॉक्टर हैं और MR के थ्रू आपने
तो पता है कि बहुत बार टेस्ट का जरूरत भी नहीं है कोई लड़की को या कोई लड़के को, फिर भी जबरदस्ती टेस्ट है। आपको पता ही है ही नहीं, डॉक्टर देख के भी बहुत बार पता कर लेता कुछ, तो फिर भी वो के जबरदस्ती क्या देगा आपको। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। कितने लोग ऑनेस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं, हाथ उठा रहे तुम, समझ रहे हैं इतना आसान नहीं। अगर तुम ऑनेस्ट डॉक्टर बन गया भगवान गीता, तो तुम लोग लाइफ में जेन्युइन हैप्पीनेस रहेगा। डिफिकल्ट है बताओ, लेकिन देखो तुम लोग तो 10 साल ट्राई करो, 5-7 साल देखो ऐसा जेन्युइन हैप्पीनेस मिल रहा है। तुम लोग भगवान ऐसा ऐसा केस भेजेंगे, जैसे किसी को आप ट्रीट करोगे वो मरने वाला था और आपको भी दिखा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। आप भी बोलोगे ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं हुआ, कोई मिरेकल से ठीक हुआ। बहुत हम लोग को मिरेकल देखने मिलते, हम लोग को मिरेकल देखने मिलते बहुत बार। एक डिवोटी वो गाड़ी से ट्रेवल करता, 80-90 की स्पीड में जा रहा था वो, उसकी मम्मी 4-5 लोग कोई लड़की देखने जाए थे अपनी बहन के लिए, लड़का देखने जाए थे रांची में, और हाईवे में ड्राइवर को नींद आ गया, नींद आया तो ठोका बेचारा एकदम होल एकदम टूट गया, जेसीबी से ठीक किया उसको। और गाड़ी जब उठाया तो गाड़ी पर चूर चूर, उसका फोटो है मेरे पास एकदम, गाड़ी क्या हो गया है चूर चूर, पांचों को खरोज भी नहीं आया। क्या नहीं आया? एक बार मैं अपने ताऊ जी को मायापुर ले गया था, तो मायापुर से जब लेके आया तो मेरी मम्मी ट्रेन से उतर रही थी तो फिसल गई ट्रेन, 5-10 मिनट खोजो खोज रहा, 5 मिनट तो ताऊ जी मम्मी को पकड़े तो ताऊ जी फिसल गए, मम्मी तो इधर आ गई, ताऊ जी गिर गए, इतने मोटे सेठ जी थे वो गिर गए, ट्रेन उनके ऊपर से गया, कोई बचेगा इतना मोटा आदमी ट्रेन के नीचे जाने के बाद। और ट्रेन ट्रैक का वो इतना जगह रहता है बस बगल, ट्रेन ट्रैक और दीवार के बीच इतना, वो गिर गए तो बचेंगे, बचेंगे लॉजिकली। अरे नहीं नहीं इधर वो गिरे प्लेटफॉर्म से, कोई गैप ही नहीं, इतना से तो गैप होता है वो पटरी जो होता है ट्रेन तो ऐसे घुस जाता है। ट्रेन जब ट्रेन के नीचे जगह रहता है रे बाबा, ट्रेन के नीचे जगह होता है, समझ रहे हैं? पहिया उसके ट्रेन जब वो गिर गया है, नहीं नहीं सुनो 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 लॉजिकली मैं बता रहा हूँ भाई, पहिया तो हर जगह नहीं है ना ट्रेन का, ट्रेन का पटरी और उसके जो प्लेटफॉर्म इतना सा जगह रहता है, धनबाद में तो इतना ही जगह था, तो वो गिरे जब तो ट्रेन के नीचे जगह है चल गिर गए, समझ रहे? पहिया रोकेगा ना, पहिया तो नहीं तो गिर गया, अब पहिया तो आएगा ना थोड़ी देर बाद तो उसके ऊपर चढ़ेगा, समझ रहे? लेकिन वो पूरा हूँ ट्रेन चला गया, हम लोग तो डर गए, भगवान का नाम है भगवान, मायापुर लेके गया था तो मर जाएंगे तो गड़बड़ जाएगा, तो हमको ब्लेम करेगा। और वो जब वो गए तो कोई जा ही नहीं रहा बगल, कौन जाएगा इतना मोटा शरीर वाला आदमी गिरा है। फिर जब ट्रेन चला गया कोई जाए, बाद में 5 मिनट बाद जब गए देखे, अब जो शरीर को कुछ नहीं हुआ, एज इट इज थे, अपने आंखों से देखा वैसे, समझ रहे? कि अस्पताल लेकर कि 1 फीट से गिरे, 70-72 साल के हो गए तो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते थे, गिरे तो पक्का कहते। तो मेरे भाई एक डॉक्टर संजय भैया डॉक्टर थे, उनके एक्सरे कराए, 50 साल रिलेटिव जुड़ गया कि अरे तुम मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एक्सरे कराए तो क्रैक भी नहीं आया। तो भगवान का मिरेकल आप देखने मिलेगा, भगवान को आप ऐड कर दोगे, जैसे अर्जुन ऐड किया तो कदम कदम पे उसकी रक्षा कर रहे थे कि नहीं, तो अर्जुन जीत पाता कभी। तो अगर आप कृष्णा को जोड़ दो अपने जीवन में तो आप किसी पर सक्सेसफुल हो जाओगे, जबकि सक्सेसफुल होना चाहिए तब कौरव को, उनके पार्टी में कौन थे? भीष्म थे, द्रोण थे, लेकिन सक्सेसफुल हुए कौन? पांडव लोग। क्यों? क्योंकि कृष्ण साथ। दिस इज स्पिरिट ऑफ जन्माष्टमी। किसको ऐड किया जाए? कभी कुछ दिन में जन्माष्टमी आ रही है तो उस दिन हमें प्रयास करना चाहिए, हम लोग भक्तों के संग में जाएं, कीर्तन करें, अच्छे भक्त साधु लोग का मुख सुने, तब जाके रियल जन्माष्टमी। नहीं तो जाके कीर्तन में ताली बजा के वो बस मजा करके आएंगे, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होगा, समझ रहे? कोई आजकल लोग सत्संग प्रोग्राम में जाते हैं, धाम जाते हैं, लेकिन वो उसके बाद भी आते हैं बीड़ी फूक, तो ठीक क्या हुआ?
वृंदावन में लोग जाते हैं, उसके बाद बाकी बहरी का दर्शन करके फिर गुटखा खा, तो ठीक क्या हुआ? आप वैसे के वैसे ही रहे ना, तो ठीक हुए क्या? हाँ ठीक हुए क्या? तो ठीक होना है तो क्या करना पड़ेगा? साधु संग करना। नहीं आऊँ, बहुत कुछ है बताने के, लेकिन मैं जस्ट आप लोग को पॉइंट पर मैंड करेंगे। जन्माष्टमी आने वाली है, इनका आपको फायदा, और रोज जन्माष्टमी बना सकते हैं अगर हम लोग अपने आप को हृदय को प्रिपेयर कर। तो सिंपल तरीका कलयुग के लिए क्या प्रभुपाद जी ने दिया है, माला कीजिए अच्छे से, एटलीस्ट 4 माला सबको करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए धीरे। ऐसा नहीं कि 4 तो 4 ये साल, मतलब धीरे धीरे 4 से 5, 8, 10, 16। तो जो 16 माला करेगा 4 नियम पालन करेगा, तो 12 साल भी ऐसा कर लिया समझ रहे सही से सुबह, तो उसके अंदर वाक शक्ति आ जाएगी, जो बोलेगा सही होने लगेगा, कृष्ण आ जाएंगे उसमें। और जीवन भर कर लिया तो इसी जीवन के बाद भगवत धाम, पता है तो ओरिजिनल वर्ल्ड हमारा। दिस इज वाई वी सेलिब्रेट टू इन्वाइट लॉर्ड श्री कृष्ण इन आवर। गंदे हृदय में भगवान आएंगे क्या? अब मेरे को बुलाओ गंदा रूम में तो वहां आ पाऊंगा क्या? हाँ तो वैसे भगवान को बुलाएंगे साफ से है कि नहीं? तो हृदय में 4 गंदगी को हटाना है, पाप में मतलब महान पाप क्या, मांस नहीं खाना है समझ रहे, और गलत तरीके से पैसे नहीं कमाना है, और अपनी पत्नी को छोड़ के और किसी से संग करने की जरूरत, या आप बोलेंगे मेरी तो पत्नी तो किसी से संग कर सकता हूँ, नहीं। अगर कोई शादी नहीं करना तो उसके साथ उल्टा पुल्टा संग। 16 माला करने का नियम। हाँ 16 माला नियम। 16 माला का नियम इसलिए है क्योंकि शास्त्रों में दिया हुआ है कि एक मंत्र जब करते हैं तो 16 नाम होता है। कली संतन उपनिषद में दिया हुआ है। नारद मुनि ने पूछा ब्रह्मा जी से कि भाई कलयुग के लोग तो बहुत छोटी छोटी बात में झगड़ा हो जाएगा, हो ही रहा है, बहुत माइंड फिकल होगा कलयुग के लोग, तो क्या सोल्यूशन? तो ब्रह्मा जी नाथ को बोला देखो बेटा कलयुग के लिए तारक मंत्र है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, इति सोर्स का नाम नाम कली कलमस नाम। यह 16 शब्दों का मंत्र है, ये कली के कलमस का नाश करेगा। कली में जो कलमस बैठा है काम क्रोध लोभ, अपने आप खत्म होने लगता है। पहले मेरे बहन से बहुत झगड़ा होता, मेरी बहन 2 साल बड़ी थी, तो हमेशा टीवी के लिए झगड़ा करूँगा, लेकिन जब मैं जब करने लगा ठीक है भैया बहन तुम ही देख लो, अपने आप कलमस खत्म हो जाता है। फिर जब करने कली कलमस, एक मंत्र में कितना नाम माल हो गया 16, एक मंत्र में कितना हो गया 16 बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम राम, एक मंत्र 16, ऐसे 108 में 1728, एक माला में कितना हो गया 16 माला में करीबन 27,000, मतलब 25,000 हो गया, कितना हो गया करीबन। तो शास्त्रों के अनुसार हम 25,000 सांस लेते हैं, कितनी सांस लेते हैं करीब अप्रोक्सीमेटली आप लोग मेडिकल में जानते हो, मैक्सिमम 25,000, 22,000, 23,000, 25,000, हाँ 20,000, 25,000 के आसपास पकड़ दो। अब सांस कौन ले रहा है? आप कॉन्शियसली सांस ले रहे हैं क्या? बैठे बैठे अपने आप सो जाते तो कौन सांस ले रहा है? आप तो नहीं ले रहे, कोई और आपको हेल्प कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है? कौन हेल्प कर रहा है? गॉड। तो आज बताइए आपको सांस बंद हो जाए, कोई एक सांस दे सको, आप थैंक यू बोलेंगे कि नहीं? तो भगवान दिन भर में सांस दे रहे तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए, एटलीस्ट एक बार, एक सांस के लिए एक बार तो थैंक यू बोलना चाहिए। तो 25,000 सांस ले तो 25,000 बार नाम ले लेंगे तो क्या बोल सकते हैं? लिख दिया तेरा नाम, समझ रहे? सांसों सांसों में, समझ रहे? सांस जब उन्हीं का तो हर सांस में लिख दो राम राम राम, समझ रहे? तो आप अगर 25,000 नाम ले लिए तो फिर आप दिन भर आपका प्योर रहता है। अब सुबह हो के 16 माला कर लिए 2 घंटा बस, आप देखो दिन में आपका आपको दिन भर आपको शरीर में कृष्ण कृष्ण गूंजेगा, दिन भर भगवान के अनुसार आपका मतलब भगवान का इतना हेल्प मिलेगा। हम लोग ऐसा अनुभव है, अपने आप भगवान का हेल्प मिलने लगता है। अब क्या मिलने लगता है भगवान का? जहाँ जाते भगवान हमारा काम कर देते, मिरेकल है 16 माला का, करके देखिए ना आप, गजब लगेगा। 2 घंटा भगवान को देखे थे, आपको सब काम इजली हो जाएगा, जहाँ जाओगे वहाँ पर अपने आप ही काम हो जाएगा, पेपर भी मान लो ईजी आ जाएगा, मतलब सब आपके हिसाब से काम हो जाएगा। बहुत बार
इसलिए सुबह उठ के सोलना माला कोई कर लिया और चार नियम पालन करेगा, एक महीना कोई करेगा ना उसका लाइफ बदल जाए, करके देख ली। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, दो तीन घंटा लगे, हमारे साथ रह लीजिए एक महीना आके, सब लोग सुबह उठते करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज, आपका एक्सप तेज आ जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने में आपको कोई अंतर लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ सेम ही बोल रहा, लेकिन चूंकि मैं रोज सोलह माला करता हूँ तो आप देखो मैं सेम चीज, मैं कल मैं उधर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन क्लास जा, तो मैं भी वही चीज़ बोल रहा हूँ जो लोग जानते हैं, लेकिन वो एकदम पाँव छूने लगे कि नहीं आप जो बोले बहुत अच्छा बोल रहे। मैं कोई कोई नया चीज़ तो गीता का चीज़ बोल रहा हूँ, बड़े बड़े फैकल्टी सब मैं पाँव छूने लगे कि अरे थैंक यू आप रेगुलर आइए, आप यहाँ पर हर वीक आइए, हमको तो हेल्प कीजिए। तो मैं तो कोई ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बोल रहा हूँ। चंडी नवादा कहते हैं, चंडी से अभी शिफ्ट हो गया कॉलेज, चंडी में नहीं जाएगा, चंडी का इंजीनियरिंग कॉलेज शिफ्ट हो गया पता नहीं। अभी हम लोग तो कॉलेज में गए थे इधर, कोई भी बर्बाद कॉलेज नहीं है, देखो सब जीवात्मा अच्छा है, कोई भी आदमी बर्बाद नहीं दुनिया में, सुनिए कोई भी आदमी खराब कैसे हुआ है, उसको अच्छा संग नहीं दिया इसलिए ना, हम लोग अच्छे कैसे हुए, किसी ने मेरे को अच्छा हेल्प किया तब ना। ऐसा नहीं, ये आपका गलत धारणा है। अरे पोपा जी अमेरिका गए, वो मलेक्स लोग हिप्पी लोग जिनको गवर्नमेंट बोला था कोई नहीं सुधार सकता, गवर्नमेंट नहीं जाता था, वो ऐसा खतरनाक था कि गवर्नमेंट ने टाइम्स ऑफ मैगजीन में आर्टिकल आया था टाइम्स में कि क्राइम बाई एन वाट टू, उस हिप्पीज एरिया में सब लुढ़कर रहते थे एलएसडी खा के, पेंटे में सुसु कर देंगे, मतलब बंदूक रहेगा हाथ में किसी को शूट कर देंगे, तो पुलिस भी नहीं चाहता था कि छोड़ दो भाई कौन मरेगा, पागल लोगों के साथ कौन जाएगा, मार देगा सबको। उस एरिया में प्रभुपाद जी गए, उनके साथ रहे और वो लोग डिवोटी बन गए। तो ये सब गलत इंप्रेशन है कि खराब है, हाँ खराब हो सकता है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए। सर हमारे वाल्मीकि जी पहले कितने बड़े वो थे, भगवान के नामों में ऐसी शक्ति है, अरे भगवान का नाम बड़े पापी को भी सुधार सकता। हमने आप लोगों का देखा, हल्दिया कॉलेज का एक लड़का था, अभी वो अपने फेयरवेल में अपना लेक्चर अपना स्पीच दे रहा था, तो बोला था प्रभु जी मैं जब आया था तो गुंडा था पूरा, सबके साथ झगड़ा करता था छोटी छोटी बातों पर, वो पर महीने आपको विश्वास नहीं होगा वो खुद बताया 30,000 रुपये का दारू पीता था। कितने का मेरे को तो विश्वास नहीं होगा, हम लोगों को तो घर से 3-4 हज़ार रुपये मिलता था, तीसरा कौन देगा, कौन दे सकते हो पैसा इतना, पापा भेजते 30,000, मजा आ गया 30,000 समझ रहे, 5-6 हज़ार समझ से 30,000 शौक लगा। तभी वो एक साल से हरे कृष्णा कर रहा था, 16 माह मेरे साथ रह रहा था। अभी वो घर गया, घर में जब उठा 5 बजे, अब तो जल्दी उठता था, तो देखा माँ भी 5 बजे उठ रही थी, 22 साल से माँ के साथ रह रहा था, लेकिन पहली बार देखा कि माँ बेचारी कितना स्ट्रगल कर रही, कि बेचारी को कष्ट हो रहा फिर भी उठ रही है कुकिंग करी। मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, क्या 22 साल से माँ कुकिंग नहीं की थी क्या उसके लिए, 22 साल से माँ कोई और खाना बनाया था घर में, कौन खाना बनाया था, आज क्यों दिखा कि मम्मी बेचारी इतना परिश्रम कर रही है, पहले इतना कष्ट कर रही है उठ रही, 22 साल से क्यों नहीं दिख रहा। हाँ बिकॉज उसका हार्ट अभी एकदम सेल्फिश था तो उसको दिखता ही नहीं था, हरे कृष्णा करने से उसका हार्ट जब सॉफ्ट होने लगा अब दिखने लगा कि अरे इतना ही मेरे लिए कर रहे। जब भगवान को लाओगे ना आपके अंदर सब अच्छा आने लगे, वो सब में अच्छा दिखने लगेगा, मतलब आपके अंदर एक अलग पोटेंसी आ जाएगी। नहीं तो पोपा जी 70 साल की उम्र में अमेरिका जाके कैसे प्रचार कर सकते हो, भगवान का पोटेंसी था क्या था, आपका लाइफ भी गजब हो जाएगा जब आप भगवान को ऐड कर लोगे ना, बिलीव में। आप एक महीना ट्राई करके देखो, सोलह माला ध्यान से करना, उठो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आपको क्या करना, सोलह माला अटेंटिवली करना है, और क्या करना है, चार नियम पालन करना है, मांस नहीं खाना है,
समझ रहे हैं और गलत तरीका से, हाँ गलत है, धन नहीं कमाना है तुम्हारे लिए तो कोई स्त्री नहीं, इसका शादी हो गया, उन लोग के लिए पराई, हम लोग के लिए तो नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। इसलिए सब पराई हो गया आपके लिए, समझ रहे, अभी आपका ओ लेवल लेके साहब को अपना समझे, समझ रहे, गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ लोग सोचते हैं मैं कोई भी लड़की से बात करूंगा, लेकिन आप शादी नहीं करने वाले तो मत कर, आजकल बहुत कॉमन चल रहा है किसी भी लड़की से गप्पी आएगा क्या चीज, एक सेकंड सुनिए सुनिए, इधर उधर मत बात, अरे सुन ध्यान से सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनिए, 99% केस में ऐसा ही होगा, क्योंकि शादी करना इतना आसान नहीं है, 50 तो फैक्टर्स है, उसका उसका नाना कोई चक्कू चाक बहुत हजारों फैक्टर, मैं तो इतने लोग काउंसिलिंग करता हूँ, हजारों केस को हम जानते हैं इसमें शादी नहीं हो पाता, विरला ही कोई होता है उसके बाद भी प्रॉब्लम हो जाता है, समझ रहे हैं। तो पॉइंट इज देखो, दुनिया में हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, समझ रहे हैं, इसीलिए बेस्ट है कि हम अवॉइड करें, हम क्या करें, अभी पढ़ाई का समय पढ़ाई करो, जब शादी का समय हुआ कोई भी लड़की शादी कर लो अच्छी कैरेक्टर वाली, अभी क्यों उसमें दिमाग लगा, अभी दिमाग लगा रहे हैं मतलब हमारा माथा खराब हो गया, अभी हमको क्या फायदा कोई लड़की से बात कर, अभी क्या मिलेगा हमें, जब शादी नहीं करना अभी तो क्यों हम बात कर रहे हैं, अभी बताओ, तो इसीलिए हमारे लिए बेस्ट है कि हम अवॉइड करें, क्या करें, जब शादी करना क्लियर तो कोई बात है बात करो, लेकिन अभी स्टूडेंट हो तो ऐसे भी डिस्ट्रैक्ट होता है, अभी अभी क्या होता है डिस्ट्रैक्ट, इसलिए बेटर है कि अभी हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो, ठीक है ना, बाकी पर्सनल आप लोग गाइडेंस ले सकते हैं, अच्छी लड़की तो आप जम रहा है तो आप, बिकॉज अगर अच्छी लड़की है आप उसके लड़के से पहले इसीलिए मैं कैसे, अगर मेरा कोई लड़का है उसका कोई गर्लफ्रेंड अफेयर है तो हम लोग पहले ही बोलते पहले माँ बाप से बात करो, पहले लड़की माँ बाप से बात कर लो, अगर आप लोग जम रहे हैं एक दूसरे में तो बात कर लो, फिर तो रिश्ता जोड़ोगे अभी फिर 5 साल बाद टूटेगा तो बहुत इमोशनली आदमी फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा, पागल हो जाएगा तो, और लड़की लोग उतना इफेक्ट नहीं होता, लड़का हो जाएगा। अभी एक मेरा एक लड़का था पटना का, उसका एक लड़की प्रपोज की उसको पहले, कौन प्रपोज की, वो अपना दुकान जाता था, वो लड़की बगल में थी, वो अपना प्रपोज की उसको कि चलो मैं, फिर देखा देखी हुआ 50-60 का खर्चा भी हो गया, लास्ट में लड़की बोलती है नहीं 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 करेगा, अब देखा देखी हो गया, अलग कास्ट से माँ बाप भी रेडी हो गया, उसके बाद फाइनली बोलते नहीं, अब लड़का फिर मेरे को फ़ोन कर रहा है मैं क्या करूँ, मेरे को नींद नहीं आ रहा, बड़ा अंदर बुरा लग रहा है, पॉइंट है कि लड़की पहले फ़ोन की थी, वो बेचारा नहीं उसमें इंटरेस्टेड था, लेकिन लड़की फ़ोन की तब इंटरेस्ट दिखाया, अब इंटरेस्ट दिखाया तो अब वो पीछे हट गया, अब बेचारा परेशान हो गया, बोलो ठीक है तुमको और शादी कर लो जल्दी से बस, तो अब तो इससे बढ़िया मैं ये सब चीज़ों क्यों घुसने का, अब बेस्ट है जल्दी शादी कर लो, ज़्यादा लेट करो तो झमेला है, कितना उम्र हो गया तेरा, कितना उम्र हो गया, शादी कर लो तुम कर, बस ठीक है हो गया तो कोई दिक्कत जो भी है शादी जल्दी कर लो, बिकॉज यंग एज में क्या सेटल करना इजी है, लड़की बच्ची है तुम भी बच्चा तो इजी पड़ता है, वो घोड़ी हो जाती है तो उसको ट्रेन करना पड़ा, सच बता समझ रहे, नहीं तो मेरे जैसे बन जाओ तो बेस्ट है, नहीं बन सकते हो शादी करो जितना जल्दी कर सकते, मेरे पर तो कमेंट कर रहे हैं अपना खुद जो है विद्या से नर्सिंग तक फैले रह जाओ अपना नहीं बोलता है खुद ही फंसेगा ना बाबा इसमें हमको क्यों दुख हो रहा है, मतलब समझ रहे हैं जितना जाल फैलाएगा तो जाल तो खुद ही फंसेगा ना बाबा
तुम क्या सोच रहे हो, जो लड़की 50 तो घुमाएगा कोई तो मर, उसी को मरना पड़ेगा, मरना उसी को पड़ना पड़ेगा। अरे बाबा हम क्यों चेक करें, मेरे को बहुत बोल रहा है। मेरा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मुझे तो पता है कि सब मिजरी देगा, समझ रहे, तुम शादी करके थोड़ा मिजरी पाएगा और दस्तों करके तो सुपर मिजरी पाएगा, इसलिए तो हम लोग छोड़ रखे बाबा। क्या हमारे पास पैसा नहीं था, क्या जॉब नहीं था, क्या करोड़ों कमा सकते थे बाबा, करोड़ों लड़कियों घुमा सकते, समझ रहे, छोड़ के बैठे पागल है क्या? क्योंकि कोई भी लड़की तुमको कृष्णा ऐसा आनंद नहीं दे सकती जो अंदर सेटिस्फेक्शन भगवान को लाने से मिलता है, समझ रहे हैं। आज हमको लगता है लड़की आनंद, क्या आनंद देगी, उसका खुद का शरीर में तो 50 तो रोग रहता है। अभी बड़ी सुंदर लगे, शादी कर ना तू, देख लो तेरे को पता चलता, शादी करो सब रियलिटी उसके बाद पता चलता है। शादी के पहले सब चंद्रमुखी लगते, थोड़ा देर बाद सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी, समझ लो। शादी कर ना तू, देख ना तो क्या हालत होता है। लड़की बाहर से देखने में बहुत अच्छी लगती, क्लोज जाओ ना तब पता चलता है। तुम ही बताओ, अपना शरीर से खुद परेशान है, तुमको कैसे सुख दे देगी? अपना शरीर से वो दुखी है, तुमको कैसे सुख दे देगी? झूठ मूठ का ये सब चीज ठीक है, तुम शादी करो, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन वो उम्मीद मत करो, शादी से हैप्पीनेस मिलता है। अरे क्या है लड़की रे, तू उसको देखा है क्या आज तक, जो पागल हो रखा है? हम लोग सोचते हैं कितनी सुंदर लड़की, क्या है, एक मिनट लाओ चक्कू छीलने वाला और छील दो, फिर देखते तुमने कितना औकात है उसको छूने का, एक मिनट पील कर दो बस उसको, एक मिनट बस, फिर जो बोलता है तो चीज बड़ी मस्त, भूत बोलेगा, समझ रहे हैं क्या है सब, क्या है उसमें, क्या है, एक मिनट में चमड़ी और वो भी कुछ नहीं, गंदगी पूरा भरा पड़ा। अब मेरे काउंसलिंग करता हूँ हजारों बच्चों को जो उसका शादी हो गया, इतना परेशानी होता है भाई, बहुत अच्छा लगा शादी हो तो, अब वो तुम वो बोलेगी कि ना सासू का सेवा नहीं करेंगे, मतलब वो कुछ सास कुछ और बोलेगी, तुम्हारी माँ कुछ बोलेगी, वो कुछ बोले, चटनी बना देगी तेरा, भाई बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब जब शादी होगा वो बोलेगा तुम कि माँ, तुम्हारी माँ कुछ बोलेगी, वो कुछ और बोलेगी, इसका फॉलो करेगा, इसका फॉलो करेगा, तेरा माँ कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करेगी कि नहीं देखो इस पूजा में ऐसे करना चाहिए, वो बोलेगी नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, तो अपनी माँ के लिए खर्चा करो, बोले हमने मेरा मेरा माँ बाप क्यों नहीं खर्चा करो, जान निकाल देते। अभी बहुत अच्छा लग रहा है ना, शादी कर ना रे। हाँ बोलो ना, अगर सभी लोग यही सोच ले 100 साल के बाद तो कैसे, सभी लोग यही सोच के शादी करना छोड़ दे, सेक्स करना छोड़ दे, 100 साल के बाद तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, नहीं दे पागल, नहीं पागल हो गया है क्या, मर जाएगा दुनिया खत्म, नहीं रे बाबा सुनो उसको ध्यान से, ये मेटेरियल वर्ल्ड का नाम है मैथुना का, क्या नाम है, इतना भी क्लास दे दो के बाद भी वो करेगा, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं तो नागार है बाबा, यहाँ पर 24 यही चलता है, समझ रहे हैं, मैं गारंटी, अरे हम लोग इतने साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितना भी क्लास दे दो उसका इतना इजी, कोई लाखों में एक समझता है, बाकी लोग एक्सपीरियंस करके सीखते। जो लड़का फोन किया मेरे कल, 10 साल 7-8 साल से वो लड़के पीछे था, 4-5 साल बस शादी, अब उसको समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं, आसान नहीं है बोल, ये जेल है मेन ही, दुनिया को कोई भी कारागार में जाओगे ना क्या इसे बंधा हुआ है, जेल बड़ा बड़ा तिहाड़ जेल, दीवाल खोल बड़ा बड़ा खोता फिर भी भागे, और ये जेल ऐसा है कि कोई दीवाले नहीं, खुला है, वो भागता ही नहीं, कोई भागता ही नहीं, सब मैथुन आगार, सबका इतना इच्छा है सेक्स करने का कि खुद ही एकदम पागल हो रखा, और सेक्स करने से शरीर कमजोर हो जाता है, समझ रहे हैं।
और आजकल का बॉडी तो ऐसे ऑलरेडी इतना अपना सीमेन बर्बाद किया है वो, उसको आजकल शादी के बाद मैं इतना ज़्यादा बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा वो। अभी हम लोग काउंसलिंग में है, बच्चा ही पैदा नहीं हो पा, आधा लोग का तो प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, मतलब बच्चा ही नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम, समझ रहे हैं? हम लोग तो जो कि अभी गाइड करते लोगों को, विनो बच्चा नहीं पैदा कर पा रही हालत हो। पहले इतना ज्यादा अपना लाइफ इतना बर्बाद किए सी मैंने, सबके बॉडी में एनर्जी नहीं, तो फैक्ट्स बता रहा हूं आप, समझ रहे हैं? और अगर आप मैंने अगर आप इसलिए सोचोगे कि नहीं ये भगवान की अंश है, मैं भगवान का अंश हूं, दोनों लोग मिलके एक अच्छी संतान पैदा करें, तो वैसा सेक्स भगवान गीता के बोलते हैं 7th chapter verse number 11 में कि वो बहुत प्योर माना जाता है। अगर आप भगवान की प्लेजर के लिए दोनों लोग मिलके एक अच्छी संतान को लाने, इसलिए वैदिक संस्कृत शादी होती तो वर्ण गर्भदान संस्कार होगा, पति पत्नी दोनों भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान अच्छी संतान आ जाए, और फिर हम लोग से आशीर्वाद भी लेते हैं लोग गर्भदान संस्कार, तो इसको कोई इंजॉयमेंट नहीं होता, गर्भदान संस्कार पति पत्नी मिलके गर्भदान, वो गर्भ में एक अच्छा सीड देगा। सेक्स भी हमारे वैदिक संस्कृति में माना जाता है अगर भगवान के प्लेजर के लिए, तो शादी कोई खराब नहीं मानी जाती। लेकिन ये सोचना कि सेक्स करके हैप्पीनेस मिलेगा, सेक्स इज नॉट फॉर रिक्रिएशन, सेक्स इज फॉर प्रोक्रिएशन। अभी आजकल सिर्फ सेक्स इज फॉर रिक्रिएशन, इसे वह सेक्स कर, सेक्स इज अ वेरी प्योर एक्टिविटी फॉर प्रोड्यूसिंग कृष्णा कॉन्शियस, वैसे सेक्स में कोई नुकसान नहीं, समझ रहे? बहुत सारे महान महान भक्त पैदा हुए ऐसे सेक्स से, पति पत्नी दोनों भक्त बहुत प्योर चेतना से, जैसे देवहूति और कर्दम मुनि दोनों प्योर थे, तो कर्दम मुनि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो जब देवहूति के साथ यूनाइट किए भगवान आए, अब देवकी और वासुदेव दोनों क्या कोई सेक्स के लिए शादी किए थे क्या? दोनों प्योर सोसाइट है भगवान की, इतनी तपस्या की तब उनके घर में कौन आए, भगवान आए। तो आप भी शादी कीजिए और अच्छी संतान लेके आइए जो कि बहुत अच्छा प्योर हो, समाज का कल्याण हो, समझ? लेकिन ये लड़का लड़की बाजी नहीं कि पांच टोक घुमा रहे हो, ऐसा नहीं, समझ रहे हैं? ये आप एक लड़की से पसंद की उसके साथ ही रही और किसी से रिश्ता मत रखिए, चार पांच घुमाने वाला ना बहुत झमेला, इससे पूरा समाज चौपट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप घुमा रहे हो 500 कॉन्टेक्ट कर दो, फिर एक से शादी हो भी गई, फिर आप चूंकि आपको माइंड में हैबिट लग गई और भी लोगों से संग करने की, फिर जैसे कुछ मैरिटल प्रॉब्लम होगा फिर आप इधर उधर लाइन मारोगे और आपके लिए बहुत हार्मफुल, समझ रहे? और लड़की भी आदत लग गया 500 संग किए और शादी किसी और से की, अब मान लो शादी में कोई भी दो रिश्ता में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा, फिर वो जम मारेगी उसके साथ, उसको फोन, और वो उसका अपने वाइफ से प्रॉब्लम चल रहा है, तो दोनों डाइवोर्स लेगा, इससे शादी करेगा, इसके साथ फिर प्रॉब्लम होगा। अभी तो अमेरिका में सब कुत्ता भी नहीं, इसलिए फ्री लिविंग कर दिया, क्या कर दिया कि जो करना करो यार, दिमाग हम लोग को माथा मत पूछो, पागल हो जाएंगे। अब आप बताओ, कुत्ता बिल्ली का संस्कार हो गया, समझ रहे हैं? नहीं बहुत लेट हो गया, आप लोग प्रसाद खाई रुको, हाँ कोई हाँ, आप लोग प्रसाद वसाद लीजिए, समझ रहे हैं? आप लोग टॉपिक ऐसा ऐसा डिस्कस कर रहे थे, समझ रहे हैं? बट प्रिंसिपल मैंने बताया कि आप लोग ट्राई कीजिए माला करने का, और कम से कम एक माला जब करना चाहिए, एक माला, समझ रहे? ठीक है, अभी आप लोग प्रसाद ले लीजिए, हाँ जी, क्योंकि ये सब रेलेवेंट टॉपिक है ना अपने लाइफ के, समझ रहे हैं?